दोस्तों नमस्कार। मैं रमू सिंह। गणेश सिंह चुनाव क्या हारे, विकास याद आने लगा। सबसे पहले मैं सतना सांसद गणेश सिंह को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सतना रेलवे के विकास को लेकर रेल मंत्री से सवाल पूछा। एक और धन्यवाद मैं गणेश सिंह को देना चाहता हूं। सतना सांसद से मैंने अपने चैनल के माध्यम से सतना रेलवे के विकास को लेकर कई बार सवाल खड़े किए, सांसद से सवाल पूछे। इसके बाद सांसद ने संसद में रेल मंत्री से सवाल किया, मगर रेल मंत्री ने जो जवाब दिया उससे यह बात भी साफ हो गई है कि अभी सतना रेलवे का नंबर नहीं लगेगा विकास के लिए। आप भी सुनिए सतना सांसद ने क्या पूछा और रेल मंत्री ने क्या जवाब दिया। श्री गणेश सिंह जी, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना एवं विश्व स्तरीय योजना थी। आज जो ऐतिहासिक काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी ने मिलकर के किया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मेरे मध्य प्रदेश में 80 अमृत रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है और सतना रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय बनाने का चयन हुआ है। माननीय रेल मंत्री जी ने वर्चुअल उसका शिलान्यास भी किया था। मेरा बस एक प्रश्न है कि उनको कब तक कार्य शुरू होगा, ये मैं उनसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 1309 अमृत भारत के स्टेशन में से करीब करीब 560 पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और हर एक स्टेशन को बहुत डिटेल से देखा जा रहा है कि उसकी डिज़ाइन कैसी है, किस तरह से वो ट्रैफिक का उसमें मास्टर प्लान तैयार हो, शहर के साथ कनेक्टिविटी। तो इसी प्रयास से बाकी के स्टेशन भी तेजी से काम होगा। अपना सांसद को एक और धन्यवाद। सपना सांसद गणेश सिंह ने एयरपोर्ट के विकास के लिए भी आवाज उठाया है। मैं इस विषय पर भी सपना सांसद से न्यूज के माध्यम से सवाल पूछ रहा था, कई बार सवाल पूछे थे। मैंने न्यूज में यह भी बताया था एयरपोर्ट की बाउंड्री निर्माण में भले थोड़ा सा ही सही मेरा योगदान है। अब सांसद गणेश सिंह ने इसके लिए आवाज उठाया है। हाँ, मैंने सपना सांसद गणेश सिंह से सपना से हटाए गए पेट्रोलियम डिपो के बारे में भी सवाल किए थे। पेट्रोलियम डिपो के बारे में सतना सांसद ने अभी कोई सवाल नहीं उठाया है। उम्मीद करता हूं जल्द वह पेट्रोलियम डिपो का मुद्दा भी उठाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी सतना सांसद मिले हैं और मांधोगढ़ नदी से सोहावल मोड़ तक संभवतः फ्लाईओवर ब्रिज की मांग किए हैं। देखना होगा नितिन गडकरी इस मांग पर क्या करते हैं। हालांकि बताया तो यह जा रहा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मल्होत्रा बिल्डिकान के ऑफिस में बैठकर इस विषय पर गणेश सिंह ने कुछ बातें की थी इस फ्लाईओवर को लेकर। मगर एक सवाल और सतना सांसद गणेश सिंह से पूछना चाहूंगा, अभी तक उन्होंने ऐसे कोई सवाल क्यों नहीं उठाए, ऐसे कोई विकास के प्रयास क्यों नहीं किए। विधानसभा का चुनाव हारते ही गणेश सिंह को रेलवे का विकास याद आने लगा, एयरपोर्ट का विकास याद आने लगा और भी विकास की गुंजाइश दिखने लगी। क्यों? कारण मुझे जो प्रतीत होता है, गणेश सिंह अभी तक मौन थे कि वह मर्यादा में रहेंगे तो संभवतः उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। वेटिंग फॉर केंद्रीय मंत्री बने रहने के चक्कर में गणेश सिंह सतना विधानसभा का चुनाव भी हार गए। अब उन्हें लगता है कि पार्टी आगामी लोकसभा का टिकट उनके अलावा और किसी को दे ही नहीं सकती। शायद इसी मंशा को लेकर गणेश सिंह को लगा कुछ विकास की बातें कर लें, कुछ विकास के सवाल पूछ लें, यह सवाल आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने में मदद करेंगे। मगर एक ऐसा सवाल सतना सांसद गणेश सिंह का पीछा कर रहा है और यह सवाल आगे भी उनका पीछा करता रहेगा, उसका जवाब गणेश सिंह शायद ही दे पाए। सवाल यह है, आपने 20 सालों में क्या किया? 20 साल कम नहीं होते? कभी मोदी के नाम पर, कभी नारायण त्रिपाठी के कंधों का सहारा लेकर चुनाव तो आप जीतते आए, मगर विकास के नाम पर सतना इतना पिछड़ गया कि आज ऐसा लगता है सतना रीवा और कटनी से 50 साल पीछे चला गया हो और गणेश सिंह अपने स्वतः के विकास में 200 साल आगे चले गए हैं। व्यक्तिगत विकास तो खूब हुआ, मगर जिस जनता ने आपको 4 बार मौका दिया उसे क्या मिला? जनता अब सोचने भी लगी है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।